Hello students, I am your social science teacher and today we will start first chapter of democratic politics, that is power sharing. Okay, to power sharing padhenge aaj. Power sharing, jaisa ki naam se pata chal raha hai, power sharing. Kya hai power sharing? That is शेयरिंग ऑफ पावर. अब किसके बीच में पावर की शेयरिंग होगी? हमारे हर लेवल पे, हमारी लाइफ के हर लेवल पर हम पावर शेयर करते हैं, पर हम यहाँ पर एक ब्रॉड लेवल में पढ़ेंगे अबाउट द कंट्री. ठीक है, तो कंट्री में पावर शेयरिंग किसके बीच में होगी? गवर्नमेंट. ओके, तो गवर्नमेंट क्या होती है? पावर शेयरिंग किसके बीच में होगी हमारी कंट्री के अंदर? दैट इज गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि हमारी कंट्री को प्रॉपरली रन करने का काम करती है. ठीक है, इसके बारे में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के. यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर पावर शेयर होगी. बाकी के और फॉर्म के अंदर पावर शेयरिंग डिपेंड ऑन द रूलर. ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग हो रही है गवर्नमेंट में. अब गवर्नमेंट एक ही इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जिसमें पावर शेयरिंग होगी? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशरी. ठीक है, अब यहाँ पर लेजिस्लेचर क्या काम कर रहा है? लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाने का काम करता है. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है कि ये किस तरीके से कंट्री में एग्जीक्यूट हो सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज जुडिशरी. जुडिशरी क्या करेगा? ये लोगों के ऊपर इस लॉ को इन्फोर्स करता है. अंडरस्टूड? तो ये तीन मेन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जिसमें पावर शेयर हो रही है. सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता. ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गई? पावर शेयरिंग की डेफिनेशन मिल गई. क्या है पावर शेयरिंग की डेफिनेशन? दैट इज पावर शेयरिंग क्या होगी डेफिनेशन की? एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ठीक है, इंटेलिजेंट शेयरिंग क्यों? क्योंकि जब हम पावर शेयर कर रहे हैं तो कितनी पावर देनी है, किसको देनी है, ठीक है, कौन किसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कि जिस तरीके से आपस में ये तीनों ऑर्गन्स किसी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते. तो इट इज़ एन इंटेलिजेंट शेयरिंग. ओके, तो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर किसके बीच में? अमंग, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, इन तीनों के बीच में पावर शेयर हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि इज very important to एक मिनट to design of democracy. ठीक है, समझ में आया? क्यों हो रही है? क्यों है important to design of डेमोक्रेसी? क्योंकि अगर कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो पावर शेयरिंग होना कंपलसरी है. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी. तो पावर शेयरिंग होने से क्या कंट्री के अंदर बेनिफिट्स होते हैं या क्या इसकी कमियां हो सकती हैं अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे. हम इसके बारे में अब दो कंट्री की
स्टोरीज पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से हट रही हूँ। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ टू कंट्री। ठीक है, एक है हमारी अपनी एशियन कंट्री दैट इज श्रीलंका, और सेकेंड वन इज बेल्जियम, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो बेल्जियम जो है इट इज एन यूरोपियन कंट्री जिसके अंदर अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि कंट्री के अंदर रूल करना चाहते हैं। अब इसको रूल करने में क्या प्रॉब्लम आती है या किस तरह का वो एथनिक कंपोजिशन है, ये हम इस चैप्टर में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम क्या है? इट इज एन यूरोपियन कंट्री। पता तो है ना आपको, यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप, तो यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। ठीक है, अब बेल्जियम को हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के एक छोटे से स्टेट हरियाणा से। हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, इट्स अ स्मॉल स्टेट, उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेल्जियम जो है इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज ऑल्सो नियर अबाउट द हरियाणाज ज्योग्राफिकल एरिया। साथ में उसकी पॉपुलेशन वो हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम है, 50% ऑफ हरियाणाज पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है इस यूरोपियन कंट्री की? ओनली 1 करोड़, जबकि हरियाणा की है 2 करोड़। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन इज अबाउट 1 करोड़, दैट इज हाफ ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की पॉपुलेशन का हाफ ही पॉपुलेशन यहां पर है। ठीक है, बेल्जियम की जो कैपिटल कंट्री है दैट इज ब्रुसेल्स। कैपिटल सिटी इज ब्रुसेल्स। ठीक है, कैपिटल सिटी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को फॉर्म करने में कैपिटल सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बेल्जियम जो है ये अपना जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर कर रहा है? बॉर्डर्स शेयर विद फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, इन 4 नेबरिंग कंट्री के साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ओके, समझ में आ गया क्या है बेल्जियम? इट इज़ एन यूरोपियन कंट्री जो कि पॉपुलेशन वाइज अगर हम कंपेयर करें हरियाणा की पॉपुलेशन से, इसकी पॉपुलेशन लगभग हाफ है, ओनली 1 करोड़। ओके, नेक्स्ट इसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है इसकी कैपिटल सिटी है इसलिए कंट्री की गवर्नमेंट को फॉर्म करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके बॉर्डर्स जो है ये शेयर करेगी विद द फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, नाउ नोटेड डाउन। इसके बाद हम इसकी एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसकी एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। अब सबसे पहले ये वर्ड एथनिक, इसका मतलब हम समझेंगे कि पहले एथनिक वर्ड का मतलब क्या है। एथनिक क्या होता है? इट इज अ सोशल डिवीजन। ठीक है, जिसमें सेम कल्चर को लोग शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एथनिक,
ठीक है, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसकी एक बार डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, एक सोशल डिवीजन है जो क्या कर रहा है, सेम कल्चर को आपस में शेयर कर रहा है, यानी कि सेम कल्चर को लोग शेयर कर रहे हैं, वो एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, दूसरा ग्रुप दूसरे तरह के कल्चर को शेयर कर रहा है, इसी कल्चर को शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तमिल स्पीकिंग लोग हैं, गुजराती स्पीकिंग लोग हैं, राजस्थानी स्पीकिंग लोग हैं, तो वैरायटी ऑफ पीपल यहाँ पर हैं। तो वो क्या है, राजस्थानी स्पीकिंग लोग एक एथनिक ग्रुप हो गए, गुजराती स्पीकिंग लोग एक अलग एथनिक ग्रुप हो गए। ठीक है, इसी तरह का एथनिक ग्रुप बेल्जियम में भी है। ठीक है, तो यहाँ की एथनिक कंपोजिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन, तो मैं इसके लिए आपको एक रफ मैप बना देती हूँ बेल्जियम का, जिससे कि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, ये रफ मैप है बच्चे, ठीक है, जो अपर पार्ट है दैट इज नॉर्दर्न पार्ट, हमेशा हम यही करते हैं, किसी भी कंट्री का अपर पार्ट क्या कहलाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो है, ये नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाएगा, इसका फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन जहां पर की कौन सी पॉपुलेशन है, डच स्पीकिंग, डच एक लैंग्वेज है, ठीक है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो कि पूरी कंट्री की लगभग पॉपुलेशन की 59% पॉपुलेशन क्या है, डच स्पीकिंग है। नीचे वाला जो पार्ट है यानी सदर्न पार्ट, यहां पर ये कहलाता है वैलोन रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन कहलाता है, ये वैलोन रीजन या वैलोनिया भी कहलाता है। यहां पर है फ्रेंच स्पीकिंग, जो कि पूरी कंट्री का कितना है, केवल 40% पॉपुलेशन है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 40% फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, यहां पर इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट जो है, यहां पर जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। अब कितना बचा अपने पास, 59% तो डच हो गए, 40% फ्रेंच हो गए, कितना बचा हमारे पास, ओनली 1%। तो 1% कौन हो गए, जर्मन स्पीकिंग लोग हो गए। ठीक है, तो ये इसकी एथनिक कंपोजिशन है फॉर द होल कंट्री। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल सिटी है, दैट इज ब्रुसेल्स, आपको बताया था अभी, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग हैं, यानी नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। सदर्न पार्ट जो कि वैलोन रीजन है, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहीं पर ईस्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज ईस्ट, ईस्ट के अंदर कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट इज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ठीक है, केवल एक 1% ही है, तो यहाँ पर मेन पॉपुलेशन जो है वो डच और फ्रेंच है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, अब ब्रुसेल्स में कैसी पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो 80% है, जबकि डच स्पीकिंग पॉपुलेशन बची हुई 20% ही है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट फॉर्म करने में कैपिटल सिटी की पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है पूरी कंट्री के अंदर, डच, ठीक है, फ्रेंच की कंपैरेटिवली कम है, 50% से ज़्यादा डच है। वहीं अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% पॉपुलेशन किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग की है, केवल डच परसेंट, डच जो पीपल हैं, दैट इज़ ओनली 20%, बहुत ही कम है।
प्लस इसमें एक चीज़ और है कि फ्रेंच जो हैं इनको एजुकेशन का राइट बहुत पहले मिल गया था, तो इनको एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इनका बहुत अच्छा है, यानी दे आर रिच कंपेयर्ड टू द डच। डच को एजुकेशनल राइट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का राइट थोड़ा लेट मिला। ये लेट मिलने की वजह से डच पॉपुलेशन फ्रेंच के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ये और एक बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर दोनों पॉपुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट है कि कंट्री के अंदर कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और कौन कंट्री को होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर टेंशन शुरू होती है बिटवीन 1950 टू 1960, ठीक है। कब टेंशन स्टार्ट हुई? इससे पहले तक कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। टेंशन स्टार्टेड बिटवीन 1950 टू 1960। क्या टेंशन स्टार्ट हुई? कौन सी टेंशन स्टार्ट होगी? कंट्री के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने की टेंशन, कि कौन कंट्री में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, कौन कंट्री को होल्ड करेगा, किसका रूल रहेगा कंट्री में। ये टेंशन शुरू हो गई कंट्री के अंदर। किसके बीच में शुरू हुई? फ्रेंच एंड डच के बीच में। जर्मन क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, तो यहाँ पर इनका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं है, ठीक है। मेन रोल किनका है? इन दोनों कम्युनिटी का है। अंडरस्टूड? कोई टेंशन नहीं यहाँ तक? सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, आप चाहो तो ये एथनिक कंपोजिशन को इसकी तरह लिख लेना। अगर आप मैप बना के लिखना चाहो तो आप मैप बना के लिख लेना, ठीक है। नोट कर लो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका नाम से तो आप काफी अच्छे से वेल नोन है। क्या है श्रीलंका? हमारी नेबरिंग कंट्री, ठीक है। कहाँ पर है? इंडिया के साउथ में, ठीक है। श्रीलंका, ठीक है, ये हमारी इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। साउथ एशिया में आती है और ये एक आइलैंड कंट्री है। इट इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, साथ में इट इज एन आइलैंड कंट्री। पता है ना आइलैंड कंट्री है? अगर तमिलनाडु से आगे जाएं इंडियन ओशन में तो श्रीलंका पड़ जाएगा, इंडिया से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है, ठीक है। अब हम अगेन इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? किससे कंपेयर किया था बेल्जियम को? ओके, हरियाणा से, ठीक है। तो हम श्रीलंका को भी हरियाणा से ही कंपेयर करेंगे। तो ज्योग्राफिकली श्रीलंका भी हरियाणा के जितना ही बड़ा है, पर पॉपुलेशन वाइज हरियाणा की और श्रीलंका की पॉपुलेशन लगभग सेम है, ठीक है। कितनी है? कितनी बताई थी श्रीलंका की, हरियाणा की पॉपुलेशन आपको मैंने? 2 करोड़, ठीक है। यानी श्रीलंका की पॉपुलेशन क्या है? लगभग 2 करोड़। पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़, सेम एज, किससे कंपेयर कर रहे हैं? वेरी गुड, हरियाणा, ठीक है। सेम एज हरियाणा, ठीक है। नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। पॉपुलेशन भी कम है इसकी, नेबरिंग श्रीलंका की इकलौता नेबर कौन है? इंडिया ही है। उसके बाद तो फिर सारा का सारा ओशन आ गया। ओशन में जाएंगे तो एक तरफ मालदीव जरूर नेबरिंग कंट्री पड़ जाएगी श्रीलंका की, अदरवाइज इंडिया इज़ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री। बाकी की कंट्रीज उससे बहुत ही अपार्ट हैं, बहुत ही दूर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन का प्रॉब्लम आएगा। जहाँ पर भी कोई कंट्री होगी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन तो होगी ही। तो अगेन यहाँ पर भी अलग अलग एथनिक कंपोजिशन रहती हैं। मेन एथनिक कंपोजिशन यहाँ पर है सिन्हालास
और दूसरी है तमिल, तमिलनाडु के पास में है ना, तो तमिल ज़्यादा है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन बताती हूँ। ठीक है, श्रीलंका की एथेनिक कंपोजिशन, एथेनिक कंपोजिशन। ठीक है, अब एथेनिक वर्ड का मतलब तो हमें पता है, अलग अलग या सेम शेयर, सेम कल्चर शेयर करने वाले। ठीक है, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। तो यहां पर एक कम लैंग्वेज है, दैट इज सिन्हाला, सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 74% पार्ट है। ठीक है, सेकंड है इसमें तमिल स्पीकिंग, जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 18% पार्ट है। ठीक है, अब तमिल स्पीकिंग 18% पार्ट तो है, पर अब इसमें भी सारे तमिल सेम नहीं हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन तमिल्स भी हैं। तो अब यहाँ पर दो तरह के तमिल्स हो गए, एक श्रीलंका के और दूसरे जो इंडिया से गए हैं। इंडिया के एंसेस्टर्स बहुत टाइम पहले ब्रिटिश रूल के समय यहाँ पर प्लांटेशन वर्क करने के लिए गए थे, और प्लांटेशन वर्क ख़त्म होने के बाद देवर सेटल देयर ओनली। अब वहाँ पर ही सेटल हो गए तो क्या हो गया, वो वहीं के ही सिटीजन हो गए, बट देवर नोन एज द इंडियन तमिलियंस। ठीक है, तो तमिलियन के यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज हैं, दैट इज इंडियन तमिल, जो कि पॉपुलेशन का लगभग 5% ही है, ज़्यादा नहीं है, 18% का। ठीक है, दूसरे हैं यहाँ पर श्रीलंकन तमिल, जो कि अब इससे 18% का 5% तो इंडियन तमिल हो गए, कितना बचा 13%, वेरी गुड, 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ग्रुप है यहाँ पर क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस जो कि लगभग पॉपुलेशन का 7% पार्ट ही है। ठीक है, ओके, तो इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है, श्रीलंका का सिन्हाला स्पीकिंग 74%, तमिल स्पीकिंग 18%, क्रिश्चियंस 7%। अब ये टोटल कितना हुआ, 99%, 1%, एज सच 1% का कोई डाटा क्लियर है नहीं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स में इसमें डाटा हो, 74 point something, 18 point something। ठीक है, तो इस तरीके से 99% पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास बुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग 74% है, दैट मीन्स 3/4 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक बहुत बड़ा मेजर पॉपुलेशन जो है दैट इज सिन्हाला। तमिल्स जो है वो 18% है, यानी 1/4 पॉपुलेशन भी नहीं है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सिन्हाला एंड तमिल में, बिकॉज सिन्हाला वॉन्ट देयर ओन सुपरमेसी। ठीक है, वो चाहते हैं कि क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी, तो वो कंट्री के अंदर होल्ड रखें, कंट्री में उनकी गवर्नमेंट हो, अकॉर्डिंग टू देम कंट्री विल रन। तो फिर क्या तमिल्स छोड़ देंगे ऐसे ही, नहीं, तमिल्स को भी तो चाहिए फैसिलिटी, एवरी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री नीड फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट एक ऐसी हो जो कि सभी कम्युनिटी का ध्यान रखे। इसके अलावा सिन्हाला स्पीकिंग जो है वो किस रिलीजन को मानते हैं, इनका रिलीजन सिन्हाला स्पीकिंग दे हैव फेथ ऑन द बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, जबकि तमिल्स जो हैं वो किस रिलीजन को मानते हैं, दे हैव फेथ ऑन द हिंदू एंड मुस्लिम बोथ रिलीजन। ठीक है, आप बचे क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियंस तो खुद ही एक रिलीजन है, तो इसमें कुछ लोग सिन्हाला स्पीकिंग हैं, कुछ वर द तमिल स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एथनिक कंपोजिशन है। तो अब कंट्री के अंदर मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ सिन्हालास एंड तमिल्स में, कि हु विल होल्ड द कंट्रोल
ऑन द कंट्री। कंट्री के अंदर कंट्रोल करने का मतलब कंट्री में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना और सारी पावर अपने पास रखना। ठीक है, तो यहाँ हमने दो कंट्री के बारे में पढ़ा है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब दोनों ही कंट्री के अंदर जो ये एथनिक कंपोजिशन है, इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों कंट्रीज किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के एथनिक कंपोजिशन के अंदर किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और किस तरीके से दोनों कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेजोरिटेरियनिज्म एंड अकोमोडेशन। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर समझने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।